अगर आप आधार इसलिए काम कर रहे हैं, अगर पिछले आप देखेंगे 21-22 अगस्त को कुछ डाटा रिजल्ट दिखा रहा है, इसका कारण क्या है ये देखते हैं। जैसे कुछ देख पा रहे हैं हमारे में दिखा रहा है, दो ठो डाटा रिजेक्ट हुआ है, तो दो डाटा रिजेक्ट हुआ है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आइए देखते हैं हमारा डाटा कौन सा रिजेक्ट हुआ है। यहाँ व्यू एनरोलमेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं, फिर प्रोसेस ओके करते हैं, फिर यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमारा तीन डाटा रिजेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर लिखा है रिजेक्ट रीजन डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड। तो डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड का मतलब क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जैसा कि देखो तीन रिजेक्ट दिखा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा डिस्क्रिप्शन खाली हो, या हमारा जो डाटा हम जो काम किए हैं वो हम डाटा अपलोड ना किए हों या डाटा गलत फिट किए हों, सब डाटा सही से किया गया फिर भी रिजेक्ट हो गया है। इसका कारण यह है कि सर्वर में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से नहीं डाटा रिजेक्ट हो गया है। परेशान ना होए, देखें एक दो दिन, दो चार दिन, पाँच दिन तक अगर अपडेट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं फिर दूसरा अपडेट उनका कर दें जिसने इसका रिजेक्ट हुआ है। तो कहने का मुख्य आशय है कि कुछ सर्वर की गड़बड़ी की वजह से नहीं इस तरह की समस्या हुई है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।